हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपकी वाइफ ने आपके अगेंस्ट मेंटेनेंस किया हुआ है और कोर्ट ने आपके अगेंस्ट में जो मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया, यानी कि आपके पत्नी के पक्ष में मेंटेनेंस का आदेश पारित कर दिया और ऐसी कंडीशन में आप मेंटेनेंस नहीं दे रहे अपनी पत्नी के द्वारा एग्जीक्यूशन फाइल करने के बाद भी, तो उस कंडीशन में क्या होगा? क्या जेल जाने के बाद मेंटेनेंस का मुकदमा खत्म हो जाएगा, मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, कंप्लीटली आप फ्री हो जाएंगे? ये सारे क्वेश्चन, ये सारे मिथ आप लोगों के मन में चलते हैं, इनका जवाब मैं क्रम वाइज दूंगा। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर नो डाउट मुझसे मिल सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेंटेनेंस का केस ऐसा होता है जब पत्नियां सिर्फ दो रीजंस की वजह से करती हैं, या तो इनको एक्चुअल मेंटेनेंस चाहिए होता है कि वो अपनी लाइवलीहुड के लिए पैसा आपसे चाहती हैं, अपनी दिनचर्या को मेंटेन करने के लिए, लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। लेकिन दूसरी कंडीशन ये होती है जहां पर पत्नियां कैपेबल होती हैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए, फाइनेंशियली स्ट्रांग होती हैं बाय फैमिली भी और खुद भी, लेकिन वो सिर्फ हस्बैंड पार्टी को, हस्बैंड पक्ष को, पति पक्ष को प्रताड़ित करने के लिए, हतोत्साहित करने के लिए मेंटेनेंस का मुकदमा लिखाती हैं। आखिरकार जो हस्बैंड हैं उनके मन में जो एक कंफ्यूजन की स्टेज आती है कि अगर मेंटेनेंस हम नहीं देंगे, मेरी पत्नी ने मेंटेनेंस का एक केस किया मेरे अगेंस्ट और उसने मेरे अगेंस्ट मुकदमा लिखाया, कोर्ट ने मेरे अगेंस्ट ऑर्डर कर दिया, लेकिन नहीं दूंगा कुछ नहीं होगा, 30 दिन की जेल चली जाएंगी। अब मेंटेनेंस का ऑर्डर आपके अगेंस्ट हो गया, कोर्ट में आपकी पत्नी ने एग्जीक्यूशन फाइल कर दिया कि भाई आपने मेंटेनेंस का आदेश दे दिया और मेरा पति मेंटेनेंस देने के लिए मुझे तैयार नहीं है। कोर्ट ने एग्जीक्यूशन का आदेश दिया, कोर्ट ने फिर आपको समन किया, समन करके आपको बुलाया और आप समनिंग पर भी नहीं गए, फिर NBW हो गया, आपको जेल भेज दी, 30 दिन की जेल। आप सोचते हैं जर्नली कि मेंटेनेंस में अगर हम सिर्फ डिफॉल्ट करेंगे तो 30 दिन की जेल हो जाएगी, केस खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सबसे बड़ा पति पक्ष का कंफ्यूजन है। अगर आपके अगेंस्ट मेंटेनेंस का आदेश हुआ है, पत्नी ने एग्जीक्यूशन फाइल किया है, तब आप मान के चलिए अगर आप तब भी डिफॉल्ट करते हैं तो कोर्ट आपको पहली डिफॉल्ट के लिए 30 दिन के लिए जेल भेजेगा। यानी कि एक बार अगर आप मेंटेनेंस नहीं दे रहे तो आपको 30 दिन के लिए जेल जाना पड़ेगा, और ऐसा जितनी बार आप डिफॉल्ट करेंगे हर बार 30 दिन की सजा होगी। मतलब अगर एक बार आपने डिफॉल्ट किया तो 30 दिन की सजा, मतलब एक महीने की किस्त जो बंधी है उसमें 30 दिन की सजा, दूसरे महीने का आपने डिफॉल्ट किया फिर 30 दिन की सजा, इस तरीके से आप 12 महीने का जोड़ लीजिए। अगर आपने 12 महीने का मेंटेनेंस अपनी वाइफ को नहीं दिया एग्जीक्यूशन फाइल करने के बाद, तो 12 + 36 360 दिन हो गए ना, मतलब 12 डिफॉल्ट करोगे तो 1 साल की सजा हो जाएगी। तो जो कंफ्यूजन है कि 30 दिन हम जेल चले जाएंगे केस क्लोज हो जाएगा, तो केस कतई क्लोज नहीं होगा। वो तो आपको जो 30 दिन की सजा एक बार हुई है वो पहले डिफॉल्ट करने पर हुई है, दूसरी डिफॉल्ट करोगे फिर 30 दिन होगी, तीसरी करोगे फिर 30 दिन होगी, चौथी करोगे फिर 30 दिन होगी, इसी तरीके से जेल पीरियड बढ़ता जाएगा। और मेंटेनेंस जो आप सोच रहे हो जेल चले गए अब मेंटेनेंस का मैटर खत्म है, जेल ही तो चले गए, वो डिफॉल्ट खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जितना आप जेल भी गए हो उसके बाद भी वो अमाउंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा कि पहले महीने का, फिर दूसरे महीने का, फिर तीसरे महीने का, जुड़ के अगर मान लो 3 महीने जेल रह के चले आए, ठीक है, तो अगर मान लो 10,000 का मेंटेनेंस ऑर्डर किया गया तो 30,000 रुपए वो भी दोगे और जो नया मेंटेनेंस देना होगा वो भी दोगे, ठीक है, एरियर बढ़ के जो पहले इतना देना था वो अब इतना देना पड़ेगा। तो इसलिए अपने मन से कंफ्यूजन निकाल दो कि अगर मेंटेनेंस केस में हम जेल चले गए तो हमें मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, पीछे का मेंटेनेंस माफ हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई मेंटेनेंस पीछे का माफ नहीं होगा, आपको मेंटेनेंस देना ही देना पड़ेगा, हर डिफॉल्ट के लिए 30 दिन होगा, मेंटेनेंस देना ही देना पड़ेगा, एरियर बढ़ जाएगा, एरियर बढ़ के पैसा बहुत हैवी हो जाएगा। और अभी सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट आए हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के भी जजमेंट आए हैं, जिसमें हाई कोर्ट्स ने भी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अलग अलग जजमेंट पे अपने हस्बैंड के अगेंस्ट होके कहा है कि अगर वाइफ इज नॉट कैपेबल ऑफ अर्निंग देन हस्बैंड्स को अपना वर्क फिजिकल लेवल लेबर करें, है ना, आप ईंटागारा मिस्त्री बन जाओ लेकिन पत्नी को मेंटेनेंस दो, आप हस्बैंड हो, यही सबसे बड़ा आपका पाप है। जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं जजमेंट पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड की बताई गई है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल लाइबिलिटी वाइफ को बताया गया हस्बैंड के लिए, लेकिन वाइफ की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वाइफ की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, सैंक्शंस क्या है कि वो हस्बैंड्स के लिए क्या करें, उसकी फैमिली का ध्यान रखें, उसके लोगों से सही से बिहेव करें,
उस रेयरिंग केयरिंग उसके बच्चों की करें, इसके लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं डिसाइड किया गया। सिर्फ हस्बैंड को कह दिया गया कि दैट भैया आपको पैसा देना है, आप पति हो, लेबर करो, ईंटा गारा उठाओ, लेकिन पत्नी को मेंटेनेंस दो। आई होप ये जानकारी कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगी। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हो लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप मुझसे मिल सकते हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ वहाँ मुझे फॉलो करना। जय हिंद।